हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सोयम बरसरिया। आज हम बनाएंगे तंदूरी इडली। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इडली। तो इडली लेंगे और इसे दो हिस्सों में कट कर लेंगे। अगर आपको इडली बनाना नहीं आता तो आप मेरी इडली वाली रेसिपी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस तरह से दो हिस्सों में कट करके एक साइड पर रख दें। अब हम मैरिनेट तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप दही, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा एक पिंच रेड फूड कलर मैंने इस्तेमाल किया है, और साथ में कोरिएंडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और अब इस मैरिनेट के अंदर इडली डालेंगे और अच्छे से कोट कर लेंगे इस मैरिनेट के साथ। इडली को अच्छे से कोट कर देने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि मैरिनेट अच्छे से हो जाए इडली। 10 से 15 मिनट के बाद हमारी इडली अच्छे से मैरिनेट हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो अब मैं इसे एक स्टिक्स के ऊपर लगा रही हूँ, ताकि इन्हें तवे पे सेका जा सके। अगर आपके पास स्टिक्स नहीं है तो आप इस स्टेप को अवॉइड कर सकते हैं। मैंने अपनी स्टिक्स के ऊपर इडली को लगा लिया है। इसी तरह से सारी स्टिक्स तैयार कर लूँगी और फिर इन्हें सेकेंगी। इडली को सेकने के लिए मैंने तवा ले लिया है, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया है। ऑयल को अच्छे से लगाने के बाद थोड़ा सा गर्म हो जाए, फिर अपनी इडली को रखेंगे और इनको सेक लेंगे। अब इन्हें अच्छे से सेक लेंगे। एक तरफ से सेक गई है, साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी हो गई है। इसी तरह से सारी इडली हम बना के तैयार कर लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। इसे आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं है तो इसी तरह से सिंपल तंदूरी इडली बना के खा सकते हैं। आपके घर में ये रेसिपी सबको बहुत पसंद आएगी, इसे ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इसी तरह की आसान रेसिपीज़ देखने के लिए।